लोकसभा चुनाव के पहले चरण में किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में मतदान का ऐलान किया है। ये चरण राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी कांग्रेस सहित राजनीतिक पार्टियों की कई हस्ती इस चुनावी मैदान में हैं। आइए जानते हैं कि पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले मतदान में किन हस्तियों की किस्मत दांव पर लगी है। मतदान से ये फैसला होगा कि जनता उन्हें लोकसभा में फिर से भेजती है या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर आते हैं अन्नामलाई। कोयम्बटूर से लोकसभा सीट पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला है जिसमें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के बीच लड़ाई होने वाली है, जिनका मुकाबला डीएम के नेता गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन से हो रहा है। अन्नामलाई को द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नंबर दो पर आते हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर सीट से लगातार तीसरी जीत की कोशिश कर रहे हैं। इस सीट पर गडकरी और नागपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक और उम्मीदवार विकास ठाकरे के साथ मुकाबला है। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं और वो दोनों कार्यकाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे हैं। 2019 के चुनाव में गडकरी ने 55.7% के भारी वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। उन्होंने मौजूदा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को हराया था। तीसरे नंबर पर आते हैं जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है जो पहले चरण के मतदान में चुनावी मैदान में है। उन्होंने 2021 में कांग्रेस छोड़ दी थी। जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2 बार के सांसद वरुण गांधी का स्थान लिया है। समाजवादी पार्टी ने भगवंत सरन गंगवार को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने जितिन प्रसाद के खिलाफ अनीस अहमद खान को मैदान में उतारा है। साल 2019 के चुनाव में वरुण गांधी पीलीभीत से विजय हुए थे। उन्होंने 59.4% वोट के साथ 704.549 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। चौथे नंबर पर आते हैं जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार की गया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी के खिलाफ आरजेडी ने पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाया है। जीतन राम मांझी वर्तमान में एनडीए सरकार के हिस्सा हैं और पीएम मोदी ने उनके समर्थन में प्रचार भी किया है। पाँचवें नंबर पर आते हैं नकुल नाथ। पहले चरण के मतदान में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ भी छिंदवाड़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के खिलाफ मुकाबला है, जो पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कमलनाथ से हार गए थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता नकुल नाथ को कुल 47.1% वोट मिले थे, जबकि हारे हुए बीजेपी उम्मीदवार ने 44.1% वोट हासिल किए थे। छठे नंबर पर आते हैं गौरव गोगई। पहले चरण में कांग्रेस नेता गौरव गोगई की किस्मत का भी फैसला होगा। असम की जोरहाट सीट से चुनाव लड़ रहे गोगई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। गौरतलब है कि जोरहाट सीट को भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में देखा जाता है। इमरान मसूद लोकसभा सीट चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया है। गठबंधन ने यूपी के सहारनपुर से इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा है। ये पश्चिमी यूपी की सबसे अहम सीटों में से एक है। सहारनपुर में इमरान मसूद भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। मसूद 9 बार सांसद, कांग्रेस नेता और शिवगंगा से सांसद कार्की चिदंबरम इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम 7 बार जीते थे। उनका मुकाबला भाजपा के टी देवनाथन यादव और एआईएडीएमके के जेवियर दास से है। 9वें नंबर पर आते हैं तमिलीसाई साउंडराजन। सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए तमिलीसाई साउंडराजन ने हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। चेन्नई दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है।
तमिलीसाई कुमार अनंतन की बेटी हैं जो कांग्रेस की दिग्गज नेता थी। 10वें नंबर पर आते हैं दयानिधि मारन, तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। द्रमुक ने मौजूदा सांसद दयानिधि मारन को मैदान में उतारा है, जो सीट बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं।